हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। सो अभी टाइम हो रहा है 10:30 AM और आज की डेट है 6 अगस्त। और मैं आज एक टैटू करवाने वाला हूँ जो कि एक तो स्मॉल टैटू ही होगा। अभी एक बड़ा टैटू नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टैटू है इसके लिए, फर्स्ट परमानेंट टैटू है इसके लिए मैं एक स्मॉल ही करवाऊँगा। तो अभी मैं 11 बजे महेश के घर पर जाऊँगा। उसको मैंने फ़ोन करके बोल दिया था कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर पर, फिर अपने चलेंगे टैटू करवाने। मैं तो करवा रहा हूँ, फिर उसका भी मालूम, वो भी शायद बोल रहा था मैं भी एक टैटू करवाऊँगा, तो देखते हैं वो करवाता है या नहीं। और अभी मैं 11 बजे उसके घर पे जाऊंगा। मेरे पास डिज़ाइन पड़ी है मेरे को कौन सा टैटू करवाना है, और एक बार उनसे जहाँ मैं टैटू करवाऊंगा उनसे भी पूछूंगा कि आपके पास भी कोई डिज़ाइन है या नहीं है उसी के रिलेटेड, और भी अच्छी दिखे वैसी। और उनके पास नहीं होगी तो जो मेरे पास है वही मैं सेम करवा दूंगा, और देखते हैं कितना पेन होता है। अभी मैं महेश के घर पर पहुँच चुका हूँ और अभी हम लोग 10-15 मिनट में इधर से निकलने वाले हैं। फाइनली मैं टैटू शॉप पे पहुंच चुका हूं और मैंने डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर लिए, और अभी मैं जाऊंगा ऊपर और फिर फाइनली अपना टैटू है वो मैं बना दूंगा। एक चीज ले लेने का, जॉनसन बेबी ऑयल। कौन सा ऑयल? जॉनसन बेबी ऑयल। दिन में 2 बार ही लगाना है बस, कहीं नहाने के पहले और रात को सोने के पहले। कितना दिन तक? 25 डेज। ठीक है। ये प्लास्टिक बांध रहा है सर, प्लास्टिक दोबारा बांधने का नहीं, एक घंटे बाद में इसको निकाल के फेंक देना। सो फाइनली मेरा टैटू जो है वो बन चुका है, आप ये देख सकते हो। मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा घर पे आने के बाद, ये प्लास्टिक निकालने के बाद, और इन्होंने मेरा जो टैटू है वो बनाया है। फाइनल टैटू करवा दिया, आप ये देख सकते हो। तो ये जो प्लास्टिक का आपको जो रेप दिख रहा होगा इसे ही 1 घंटे के बाद निकाल लेना है, और फिर उसके बाद मेरे को बोला था कि जो जॉनसन बेबी ऑयल है वो लेके आ जाना, और फिर उसे 25 दिन तक सुबह और शाम को लगाना है। और देख सकते हो वो भी मैंने बाय कर लिया, तो फिर इसे भी रेगुलर लगाना पड़ेगा। और टैटू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा टैटू लगा मेरे को ये, और ये मेरा फर्स्ट परमानेंट टैटू है। सो मैं अपने इंस्टीट्यूट से घर पे आ चुका हूँ और मैं भी आपको मेरा टैटू दिखा देता हूँ। मैंने उधर से जो प्लास्टिक जो है वो हटा ली थी जाने से पहले, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो कितना जो प्यारा वो हमारा टैटू लग रहा है, और ये मेरा फर्स्ट परमानेंट टैटू है जो कि अभी देख सकते हो। सो कल हमारे इंस्टीट्यूट में फ्रेशर्स पार्टी है, तो मैं आपको कल मैं बता दूंगा मैं कौन से इंस्टीट्यूट में जाके अपना इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स कर रहा हूँ। और उसी के साथ में जो हमारे सीनियर्स है वो 2-3-4 दिन से लगे हुए ज्वाइन करने में, जो मतलब अभी कोरोना चल रहा है इसके लिए जो इंस्टीट्यूट के अंदर ही मतलब फ्रेशर्स पार्टी होगी, नहीं तो बाहर कहीं होती थी। और फ्रेशर्स पार्टी में सच्ची में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और सीनियर्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब जो बाकी सब चीज़ डेकोरेट की है। तो पहले आप ये क्लिप देख लो। सो आपने देख लिया होगा कितनी अच्छे तरीके से जो सीनियर्स लोग ने ज्वाइन किया है। सो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है फ्रेशर्स पार्टी में। और आप फ्रेशर्स पार्टी के लिए हम लोग फॉर्मल पहनने वाले, तो इसके लिए अभी महेश आएगा और मैं और महेश जाएंगे मार्केट फॉर्मल लेने के लिए।
लेके आ चुका हूँ और हम लोग इधर से निकले थे 5 बजे और अभी टाइम हो रहा है 6:20। हम लोग कुछ 1 घंटे से ज्यादा लग गया। और जो भी मैं अपने फॉर्मल्स कपड़े लेके आया हूँ, फॉर्मल लेके आया हूँ, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। जब मैं कल जाऊंगा फ्रेशर्स पार्टी के लिए तब मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो अगला ब्लॉग जरूर देखना। काफी ज्यादा मजेदार ब्लॉग होने वाला है, आपको देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। आज के ब्लॉग में अगर आपको अगला ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लो, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।